Good morning everyone. चलिए एक बार सभी जुड़ जाएंगे चलिए आज मैं टॉपिक जो देखूंगा उनकी चर्चा मैं कर लूं थर्ड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल सर्किट का फर्स्ट क्लास है फर्स्ट यूनिट के अंदर ये पहला क्लास होगा इससे पहले अगर मैं बात करूं तो इससे पहले मैंने सिलेबस की चर्चा ऑलरेडी कर रखा है सो so, आज हम नेटवर्क का पहला क्लास आप लोगों के साथ इंट्रोड्यूस करने वाले हैं जिसके अंदर पहला ही टॉपिक है दैट इज अल्टरनेटिंग ओके सो अल्टरनेटिंग वोल्टेज सबसे पहले कैसे डेवलप होता है आर के बारे में चर्चा करना इन सारी चीज़ों की चर्चा हम कर लेंगे ध्यान से रखिएगा इससे पहले कुछ बेसिक जानकारी जो कि जो कि आप ट्रिपल ई फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो वो आपको होनी चाहिए अदरवाइज मैं सिलेबस में हमेशा बेसिक से स्टार्ट करता हूँ ओके okay, तो मैं उम्मीद करता हूं बेसिक से स्टार्ट करता हूं तो वहां पे ऐप पर तो अपन चीज़ों को डिस्कस करते ही हैं पर यहां जो सिलसिलेवार तरीके से जो सिलेबस में दिया हुआ है हम उसकी चर्चा करते हैं और कोशिश करेंगे कि थोड़ी बहुत बेसिक आए और ना आए तो भी हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे एकदम इतना इस यूनिट से भी हम इतना बेसिक से चीज़ों का स्टार्ट करेंगे कि आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा समझने में ठीक है तो चलिए सेशन की शुरुआत करता है करते हैं पहला ही टॉपिक इसके अंदर अगर आप जाओगे ना तो सबसे पहले आपका पहला टॉपिक है टॉपिक मैं बात करूं टूडेज टॉपिक आपका आज का टॉपिक क्या होने वाला है दैट इज जेनरेशन जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग जेनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज दिस इज माई फर्स्ट टॉपिक ये हमारा क्या है जी पहला ही टॉपिक है तो इसको अपन अच्छे से देखने वाले हैं अभी ठीक है ना चलिए सबसे पहले मैं इसकी शुरुआत करता हूं चलिए गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं टुडेज टॉपिक अब सर ये क्या है जेनरेशन है ऑफ अल्टरनेटिंग सर अल्टरनेटिंग का मीनिंग क्या है अल्टरनेटिंग का मतलब है ये ऐसा हो सकता है देख, alternate का मतलब ये ऐसा होता है तो अल्टरनेट मतलब कभी पॉजिटिव कभी कभी पॉजिटिव तो कभी नेगेटिव तो सर क्या हमेशा वेव को ही अल्टरनेटिंग कहेंगे ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऐसा कोई जरूरी नहीं है अल्टरनेटिंग मैं इसको भी बोल सकता हूं ये स्क्वायर वेव का एक अल्टरनेटिंग वेब है ना पहले जीवों को एक एक टर्मोलॉजी को हम इतने अच्छे समझेंगे कि आप कह ही नहीं सकते कि कहीं से उठाए तो चीजें समझ नहीं आएंगी ये हालांकि पहले यूनिट का पहला टॉपिक है तो समझिए बातों को अल्टरनेटिंग अगर कहा गया तो आपको ऐसा नहीं है कि अल्टरनेटिंग मतलब साइनोसोइडल वेव को ही समझेंगे इसको क्या कहते हैं ऐसे तो फाइनली साइनोसोइडल वेव है ना क्या कहते हैं साइनी साइनोशोडल वेव है ना या इसी को और अच्छे से बोलेंगे साइन वेव है ना इसी को बोलते हैं साइन वेव तो चीजों को समझिएगा पहले है ना जो जो टॉपिक दिया हुआ ना उनके मैं एक एक तोड़ के बता सकता हूँ एक एक चीज को कि जहन में उतर जाएगा फिफ्थ सेमेस्टर का कब से होगा सर यूट्यूब पर आदित्य फिफ्थ सेमेस्टर का भी हो जाएगा डोंट वरी है ना सारा चीज चल ही रहा है अभी तो है ना अब यहाँ मैं बात करूं अल्टरनेटिंग अभी थर्ड सेमेस्टर वाले इलेक्ट्रिकल का ले रहा हूँ क्योंकि ये लोग फर्स्ट सेमेस्टर में भी कुछ नहीं पढ़ते और थर्ड सेमेस्टर में भटक जाते हैं मैं चाह रहा हूँ सीख ले तो आई होप सो बहुत बेहतर रहेगा अल्टरनेटिंग का मतलब यह हुआ जेनरेशन का मतलब क्या है सर उत्पादन अगर बात करें हिंदी में बच्चों को समझने के लिए कि जेन उत्पादन करने जेनरेट करना है ना मतलब जेनरेट कर रहे हैं क्या जेनरेट कर रहे हैं उत्पादन कर रहे हैं जी पर नेचर इसका भी alternating है ये ना ये कैसा वेब है सर समझिएगा ये भी एक स्क्वायर कहने के लिए तो स्क्वायर वेब है लेकिन इसका नेचर कैसा इसका नेचर अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे सर इसका नेचर जो है अल्टरनेटिंग है इसका नेचर कैसा है जी अल्टरनेटिंग नेचर का है इसका भी नेचर कैसा है इससे भी अगर नेचर पूछा जाए तो हम कहेंगे अल्टरनेटिंग है अल्टरनेटिंग तो कभी भी अल्टरनेटिंग अगर कहता हो ध्यान रखना है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग कभी भी अल्टरनेटिंग कहता हो तो इसका मतलब ये समझना है हमेशा साइनोसोइडल ना मत समझिए कभी ये भी समझ लिया कीजिए कि स्क्वायर वेव हो सकते हैं ट्रायंगुलर वेव में भी अल्टरनेटिंग हो सकता है देखिए मैं और भी चीजों को बताता हूं कि वेव से अल्टरनेटिंग का मतलब अगर कोई कहेगा तो ये साउथ वेव भी होता है साउथ वेव बोलते हैं है ये ट्राइंगुलर वेव कैसा आपको कि साउथ वेव या ट्राइंगुलर वेव है ना कहने के लिए लेकिन अल्टरनेटिंग नेचर का है प्लस माइनस प्लस माइनस ये इंडिकेट करता है ये भी कैसा नेचर का है अल्टरनेटिंग नेचर का है कैसा नेचर का जी अल्टरनेटिंग नेचर का है जब अगर कहें तो सर ये एक सौतुथ वेव है कैसा है एक सौतूत वेव है तो क्लियर है तो समझिए वर्ल्ड को जो जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग का है तो अल्टरनेटिंग में आपको क्या समझना पड़ेगा है ना अल्टरनेटिंग में आपको क्या समझना पड़ेगा नेचर अल्टरनेटिंग होता है मतलब जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो हमेशा अल्टरनेटिंग का मतलब साइनोसोइडल नहीं समझना है यह पहली बात क्योंकि जब आप जेनरेशन पढ़ोगे जेनरेशन ऑफ डीसी मशीन अभी आप पढ़ोगे तो डीसी मशीन में बोला जाएगा अल्टरनेटिंग नेचर का कैसा अल्टरनेटिंग आप तो प्योर दिमाग में साइनोसोइडल लेके बैठोगे पर वहां पर उसके सेप चेंज को एकदम हम स्क्वायर के रूप में जनरेट करते हैं जब डीसी मशीन की बात होती है तो वहां पे स्क्वायर वेव जनरेट करते हैं ऑन आर्मेचर और जब हम कन्वर्ट करते हैं कम्यूटेटर और ब्रश के बाद तो हो जाता है वो अल्टरनेटिंग है ना तब उसको हम प्योर डीसी में लेते हैं ठीक है ना प्योर डीसी में जब जी ध्यान रखना है तो आपको हमेशा पता रहना चाहिए कि सर अल्टरनेटिंग का क्या मैंने है क्लियर है अल्टरनेटिंग मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों प्रेजेंट हो वेव सेप जो है वो मे बी साइनोसोइडल मे बी स्क्वायर मे बी रेक्टेंगल मे बी सौतूथ कोई भी हो सकते ठीक है ना चलिए गुड मॉर्निंग डियर गुड मॉर्निंग ओके जी गौरी शंकर तो ये एक बात हो गई अब है करंट और वोल्टेज तो अल्टरनेटिंग नेचर का अपने को जनरेट करना है करंट और वोल्टेज तो भाई अल्टर अल्टरनेटिंग नेचर का करंट भी जनरेट करना है जी यहाँ पे और अल्टरनेटिंग नेचर का वोल्टेज तो ये जनरेट करना है तो यहाँ पर साइनोसोइडल वेव ध्यान रखें चूंकि जब स्टडी करते हैं तो वो एक साइनोसोइडल वेव का होगा क्योंकि ये इस वेब की चर्चा कर रहा है जो जनरेशन कर रहे हैं अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे वो कैसा होता है सैनोशोडल्थ मतलब इसकी स्टडी की जाएगी तो ध्यान से समझिएगा फिर मैं क्या रहा हूं कि जो टॉपिक है टुडेज टॉपिक या इस यूनिट का पहला टॉपिक यानी फर्स्ट यूनिट के अंदर फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट uh, यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है ये फर्स्ट टॉपिक है ओके okay, तो चीजों को अच्छे से समझना एकदम बारीकी से समझना है जी है ना तो सर टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज तो जनरेशन मतलब उत्पाद करना है उत्पादन करना है अल्टरनेटिंग मतलब हमेशा सहने नहीं समझना ये भी एक अल्टरनेटिंग है ये भी एक अल्टरनेटिंग है ये भी अल्टरनेटिंग है ऑफ करंट एंड वोल्टेज बोला है तो ऐसा करंट भी चाहिए आपको ऐसा वोल्टेज भी चाहिए लेकिन स्टडी हम इसी के करते हैं क्यों क्योंकि आपको पता है नॉ एडेज या हम लोग डेली लाइफ में जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं, इज़ अल्टरनेटिंग ओके, और ये AC कैसा होता उसका होता है, है, तो उसका टोटल स्टडी जो है, इसी पे फोकस रहता है टोटल इसी पे फोकस रहता है. लेकिन कोई आपसे पूछे क्या ये है? हाँ, ये है लेकिन इस के वेव क्या कहते हैं स्क्वायर वेव क्लियर है है बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए ठीक है तो आई होप सो आपने टॉपिक को समझा अब टॉपिक के एक एक पॉइंट को मैंने समझाया अब मेरी कोशिश होगी कि टॉपिक से जेनरेशन निकालना है क्या निकालना है इसका करंट और ऐसा है वोल्टेज कैसा होगा यानी अपने को जो है ये देखिए अब मैं बताता हूं थोड़ा सा समझिएगा कि जो हमको उत्पन्न करना है कैसा ऐसा हमको उत्पन्न जो करना है वो कैसा करना है ये देखिए अल्टरनेटिंग करेंट चूंकि स्टडी इसी का करते हैं क्यों क्योंकि यही तो अपन एप्लीकेशन है इसी का तो एप्लीकेशन है है ना? तो यही उत्पादन करना है आपको आइए जी एक और ले लेता हूं यही चीज उत्पादन करना है जी आइए अगर मैं कहता हूं ये वोल्टेज उत्पादन है ये क्या है जी वोल्टेज है वोल्टेज है ये उत्पादन करना है तो कहीं करंट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा कहीं पे करंट भी प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो करंट और वोल्टेज दोनों साइनोशोडल की चर्चा कर रहा है कि ये भी है साइनोशोडल थोड़ा सा खिसक गया ये है ना कि ये भी है साइनोशोडल और ये भी है साइनोशोडल ये भी है साइनोशोडल ठीक है ना ये भी है साइनोसोडल ठीक है ना तो इसको बोलेंगे करंट पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव और ये भी है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव तो ऐसा ही प्रोड्यूस करना ये आपका है अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज ये है आपका अल्टरनेटिंग करेंट एंड वोल्टेज लेकिन इसको क्या करना है जी जनरेट करना है इसका टॉपिक क्या कह रहा है सर सर आप सुपर बढ़ाते हैं सर जी ओके जी थैंक यू जी है ना अब इसको क्या करना है सर जनरेट करना टॉपिक यही कह रहा है जनरेशन ऑफ एशियन ए सी करेंट एंड वोल्टेज तो इसी को अपने को जनरेटर कर जनरेट करना है तो आई होप सो टॉपिक समझ चुके हैं अब आप जनरेशन पढ़ेंगे आप क्या करेंगे जनरेशन पढ़ेंगे तो अल्टरनेटिंग करंट का जनरेशन अगर पढ़े तो सबसे पहले आपको थोड़ी सी एनिमेशन से चीजों को समझना होगा तभी हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं तो चीजों को थोड़ा सा समझिएगा चीजों को थोड़ा सा समझिएगा जी चीजों को थोड़ा सा समझना है चीजों को थोड़ा सा समझना है ये देखिएगा ध्यान से आपको पता है कि कहीं इलेक्ट्रिसिटी है मैं अभी बात डीसी एसी की नहीं कर रहा हूं कहीं भी आपसे ये पूछ दिया जाए सिंपल भाषा में व्हाट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नॉट डीसी और नॉट एसी की यहां मैं बात ही नहीं कर रहा हूं ऐसे कौन से कंडीशन होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है पहला पॉइंट तो आपको इस चीज का पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए दो कंडीशन मस्ट है है ना दो कंडीशन मस्ट है मतलब दो रिक्वायरमेंट है एक तो पोल मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए दूसरा कंडक्टर क्या होना चाहिए एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा क्या होना चाहिए कंडक्टर है ना सर यूपी में फिर सेमेस्टर में मशीन के कुछ टॉपिक क्लास नहीं है वो कब होंगे आ, यूपी वाले का मैं बता देता हूं यूपी के कोर्स ही अपडेट होंगे इंजीनियर्स ग्रुप ऐप पर जाके आप देखना यूपी के सेमेस्टर के क्लास हम जल्द अपडेट करने वाला है क्योंकि मोस्टली सब्जेक्ट हमने कवर कर लिया है तो यूपी के सेमेस्टर के है ना जो कल ही कुछ बच्चों ने भेजा था कि जैसे कि मशीन टू था बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जिनको हम कवर कराने वाले हैं ओके डोंट वरी अबाउट दैट तो मैं अब यहां पे चर्चा कर लेता हूं अभी पहले इस चीज को समझाने दो कि इलेक्ट्रिसिटी अगर जनरेट करना है आपको तो उसके लिए क्या कंडीशन है कंडीशन तो यह है कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए फील्ड और कंडक्टर के बीच क्या होना चाहिए रिलेटिव मोशन होना चाहिए फील्ड और कंडक्टर आज की चीजों को सिर्फ समझिए है ना लिखाने की बातें मैं कल करूंगा आज की चीजों को सिर्फ समझने की कोशिश करिए कोई कहता है कि वॉट आर द कंडीशन फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के क्या कंडीशन है तो आपको कहोगे कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसके किसके बीच कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच किसके किसके बीच कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच यही तो करते हैं एक अल्टरनेटर में यहां क्या करता हूं मैं पोल को मतलब मैग्नेटिक फील्ड को स्थिर रख देता हूं और इसको पकड़ के घुमाते हैं तो क्या हुआ रिलेटिव मोशन हुआ ना किसके किसके बीच कंडक्टर और पोल के बीच तो जैसे जैसे इसके फील्ड को कट करेगा अगर मैं यहां दो सेकंड के लिए चर्चा करूं दो सेकंड के लिए मैं यहां चर्चा करूं तो ये पोल एन टू एस फील्ड है इसका जा रहा है और जब कंडक्टर को मैं घुमाऊंगा इस गोल सर्कल को घुमाऊंगा तो इसको ये कट करेगा और कट करेगा तो इसी कंडक्टर पे डेवलप हो जाता है क्या तो e तो यही तो है आपका वोल्टेज जनरेट हो गया है ना तो यही तो जनरेशन है बाकी एसी और डीसी लेने का अलग तरीका अलग होता है पर जनरेशन का तो एक ही काम है कि सर अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड किसी कंडक्टर को कट करे या फिर कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड को कट करे तो ई एम एफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी वोल्टेज डेवलप होता है सिंपल भाषा में इतने ही कंडीशन में आपका ई एम एफ जनरेट हो गया और जब करंट लेना है तो लोड लगा देंगे तो करंट भी सर्कुलेट हो जाएगा तो हम पहले सिंपल भाषा में कहेंगे कि ऐसे क्या कंडीशन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है है ना ऐसी क्या कंडीशन है जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है हम कहेंगे इनके कंडीशन है उनको अपन दिखाएंगे तो पहले देखिए कि वो कंडीशन है या तो कंडक्टर कट करे फील्ड को या फिर फील्ड करे कंडक्टर को तो अपन मोस्टली केस में जब जेनरेशन होता है तो पोल को स्थिर रख देते हैं यहां पर डीसी के केस में और एसी के केस में भी और कंडक्टर को घुमाते हैं कई बार क्या होता है कंडक्टर को ही अस्थिर रखते हैं आप पोले को घुमाते हैं आप सिंक्रोनस मशीन आगे पढ़ोगे मशीन टू में तो आपको पता चलेगा तो थोड़ी सी जानकारी यहां से लिए हमने थोड़ी सी ईएमएफ ईएमएफ जनरेशन का क्या है? क्या रीजन है है ऐसा कॉज जिससे जनरेट e होता है देखना एक पोल है एक कंडक्टर है अगर इसको घुमाएंगे तो कहीं ना कहीं ये बल्ब ग्लो करेगा लेकिन एसी के केस में कभी कम कभी ज्यादा कभी कम कभी ज्यादा है ना देखिएगा थोड़ा एक सेकेंड के लिए सोचिएगा थोड़ा सा क्या क्या सीन बनता है कंडक्टर चाहिए मैग्नेटिक फील्ड चाहिए देखिए यहां भी इन्होंने लिख भी दिया है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड और थर्ड वन एक्शन रिलेटिव मोशन हो जाए तो मामला कंप्लीट हो जाएगा अभी मैं बताऊंगा एक एक चीज़ को तो यहाँ देखिए एक कंडक्टर को अगर इसको घुमाएंगे इसके अंदर तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगा ये पोल है एन पोल और एस पोल यदि जैसे कंडक्टर को घुमाते हैं सर कंडक्टर को कौन घुमाता है हम देसी भाषा में अगर कहें तो आप शादी ब्याह में जाते हो तो जनरेटर देखते हो जनरेटर को चलाने के लिए कहते हैं डीजल की जरूरत होगी तो डीजल से क्या करते हैं बस एक मोशन लेते हैं डीजल चला के एक मशीन से बस मोशन लेते हैं उस मोशन का साफ्ट कहीं ना कहीं इस हमारे कंडक्टर के साथ से जुड़ा होता है वो घूमता है तो इसको घुमाता है और घुमाने से इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है ठीक है ना तो ये चीजों का ध्यान रखना है अभी मैं थोड़ी सी लैंग्वेज में भी लिख देता हूं ताकि पता चले तो यही कंडीशन को ये कर रहा है एक मैग्नेट के घुमा रहा है तो ये देखिए कम हो रहा है ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है लेकिन एक टाइम ऐसा आ रहा है कि जब ये इसकी स्पीड बहुत स्लो हो तो इसकी वोल्टेज बहुत डीप हो जाती है इवेंट जीरो भी हो जाएगा अगर फ्रिक्वेंसी बहुत कम होगा ठीक है ना तो मैं अभी आपको हर एक चीज की चर्चा करा देता हूं क्योंकि थर्ड सेमेस्टर बिल्कुल बेसिक होता है और बेसिक में चीजों को समझना बहुत जरूरी होता है तो मैं आपको कुछ कंडीशन बताता हूं कि व्हाट आर द कंडीशन फॉर जेनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तब हम फिर यहां पर आने वाले हैं है ना तो पहला टॉपिक तो हमारा ये था पहला टॉपिक तो ये था कि आज का टॉपिक था कि जनरेशन ऑफ अल्टरनेटिंग अल्टरनेटिंग का मतलब बताया जनरेशन का मतलब बताया करंट वोल्टेज और करंट और वोल्टेज है है ना अब आइए मैं बता रहा हूं यानी इसी को जनरेट करना है अब सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है आज सिर्फ समझने की बारी है आज सिर्फ समझिए मैं सारा मामला क्लियर कर दूंगा आज सिर्फ समझने की कोशिश करिए कह रहा है सबसे पहले कहीं पूछे कि डीसीएसई तो छोड़ दीजिए सर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के क्या कंडीशन है तो कहेंगे आपसे व्हाट आर द कंडीशन कोई भी आपसे पूछेगा व्हाट आर द कंडीशन फॉर क्योंकि कंडीशन में एक ही देंगे व्हाट इज द कंडीशन फॉर जनरेशन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वर्ड यूज करता हूं मैं क्या करंट और वोल्टेज के बदले अभी इलेक्ट्रिसिटी अब इलेक्ट्रिसिटी में करंट वोल्टेज ऑटोमेटिक आ जाएगा कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के क्या कंडीशन है तो मैं कहूंगा देखिए कहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस करना है तो दो चीजों का ध्यान रखना है आपको किन दो चीजों का ध्यान रखना है पहला सबसे एग्जांपल में आप फटाक कहोगे द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रिलेटिव मोशन द रिलेटिव मोशन बिटवीन द रिलेटिव मोशन बिटवीन बिटवीन कंडक्टर जो तार होगा जिस पर आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करवाना है कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड अब समझिएगा तो आपको एक कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है तो क्या क्या चाहिए चीज पहला तो कंडक्टर चाहिए सर एक तार चाहिए आपको ये है हमारा कंडक्टर कंडक्टर पहला कंडीशन है कंडक्टर दूसरा है मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड है ना फिर बातों को समझिएगा फिर एक एक चीज और ये मैग्नेटिक फील्ड कौन उत्पन्न करता है इसको तो देखे नहीं है सर बिल्कुल आपने देखा है आपको अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड आपने बिल्कुल बहुत अच्छे से देखा है मैग्नेटिक फील्ड आपने बहुत अच्छे से देखा है ये देखना ये एन पोल और एस पोल के मदद से हम फील्ड का भी निर्माण करते हैं है ना है ना एन पोल और एस पोल के मदद से हम क्या करते हैं जी फील्ड का निर्माण करते हैं यहां है फील्ड कहीं भी चुंबक रखेंगे तो अट्रैक्शन होगा अपोजिट पोल से तो यही है हमारा क्या फ्लक्स इसी को बोलते हैं फ्लक्स है ना और इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड यही है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ओके तो ये दोनों के बीच अगर रिलेटिव मोशन हो जाए तो कहीं भी कहीं भी किसी भी कंडीशन में हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं सपोज दैट मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि दो मैग्नेट होगा दो मैग्नेट होगा यहां पर है ना ये एक एन पोल और ये पोल ठीक है तो ऑब्वियसली एक इमेजनरी फील्ड होता है ये दिखता नहीं है ये कैसा है इमेजनरी फील्ड ये क्या, क्या है एक तरीके से अगर मैं इसकी चर्चा करूं तो इट इज अ अमेजनरी फील्ड ये इमेजनरी फील्ड है ये कैसा फील्ड है जी इमेजनरी दिखता नहीं है बट होता है एग्जिस्टेंस है बट ये दिखता नहीं है किसी को ओके मैग्नेटिक फील्ड अब इनके बीच क्या होगा रिलेटिव मोशन हो जाए अब इनके बीच क्या कराएंगे कभी भी रिलेटिव मोशन क्या कराएंगे अपन रिलेटिव मोशन इट प्रोड्यूस देन इट प्रोड्यूस ये क्या प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिसिटी तो सिंपल कंडीशन है जी आपको इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस कराने हैं तो कंडक्टर और मैग्नेटिक के फील्ड के बीच रिलेटिव मोशन लाना होगा रिलेटिव मोशन वर्ड क्यों बोल रहे हैं रिलेटिव मोशन इसलिए क्योंकि या तो ऐसा हो सकता है कि आप कंडक्टर को घुमाओ और चुंबक को स्थिर रखो या फिर दूसरा ये हो सकता है कि कंडक्टर स्थिर रखिए चुंबक को ऊपर नीचे करिए है ना कंडक्टर अस्थिर हो तो चुंबक को ऊपर नीचे करिए तब भी इसको फील्ड को कट करेगा तो ई एम प्रोड्यूस होगा इस कंडक्टर पे दूसरा है कि चुंबक को स्थिर रखिए कंडक्टर को रोटेट कराइए यानी कट कराइए इसके फील्ड के इर्द गिर्द तब ये ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा अब ये भी एक कंडीशन है ये तो हो गया कि जनरेशन हो गया जी बिल्कुल समझ गए सर इलेक्ट्रिसिटी कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गया यहां तो मामला खत्म है अब सर ये एसी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की बात कर रहा है तो हम जनरेटर तो बनाएंगे पहले हमने बेसिक फंडामेंटल कंडीशंस को देखा कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है अब यहां पर समझिएगा अब यहां पर समझिएगा जी है ना कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तो दी रिलेटिव मोशन दी रिलेटिव मोशन बिटवीन कंडक्टर एंड दिस इट मैग्नेटिक फील्ड इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्री सीटी मतलब करेंट वोल्टेज है ना ये प्रोड्यूस करता है जी पावर ये प्रोड्यूस करता है ठीक है तो ये बेसिक कंडीशन है अब आपको ए सी प्रोड्यूस करवाना है ए सी प्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए क्या होता है अब जी समझ ए सी प्रोड्यूस करना तो ये भी बात समझिएगा ये।, ये तो हुई बेसिक बात अब कुछ चीज़ें आपको और समझनी होंगी कैसी बात यहाँ तो एसी प्रोड्यूस कर दिया सर अगर आपने एक पोल लिया है एन पोल का है ना समझिएगा एक एन पोल का और एक एस पोल का तो लाइन ऑफ फील्ड लाइन ऑफ फील्ड ये रहेगा फ्लक्स की लाइन हमेशा ये होगी ठीक है जी दूसरा कंडीशन है कि सर फिर आप ये करो कि यही चीज उतार देता हूं एक सेकेंड देखो आप समझना रिलेशन जितने स्ट्रांग होते जाएंगे इसके साथ चीजें आपके लिए उतनी आसान होते चले जाएंगे देखना अब मैं एक चीज बताता हूं यह कंडीशन है वन ये कंडीशन है टू इस कंडीशन में मैं क्या करता हूं समझना समझना क्या करता हूं यह लाइन ऑफ फ्लक्स है अगर मैं एक कंडक्टर को क्या करूं ऊपर नीचे करूं ध्यान से समझिएगा अगर ये नीचे और ऊपर किया जाए क्या किया जाए एकदम नीचे और ऊपर 90 डिग्री से किया जाए मतलब समझिए इनके इनके बीच 90 डिग्री के एंगल पर है ना क्या करूं एकदम ये ऐसे है ना और ये ऐसे कट करूं कैसे कट करूं ये देखिए ये ऐसे है और 90 डिग्री से कट करूंगा तो 90 डिग्री से अगर एग्जैक्ट कट करूंगा तो यहां पर मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा क्या होगा मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होगा ठीक है जहां पर एकदम 90 डिग्री की बात कर रहा हूं अब ये कंडक्टर ध्यान रखना ऐसे पर जब परपेंडिकुलर ही कट कर रहा है तो ये ऐसे हो रहा है लेकिन यही कंडक्टर मैं ऐसे ऐसे लेके चलू कैसे ध्यान देखिएगा ये इसी के समानांतर लेके चलू एक सेकेंड एक सेकेंड अगर मैं इसी को इसके समानांतर घुमाऊँ मतलब इसी के पैलल लेके चलूँ इन दोनों के बीच एंगल जो होगा वो मैं रख दूँ कितना जीरो डिग्री इन दोनों के बीच एंगल कितना रख दूँ जी जीरो डिग्री कितना रख दूँ जीरो डिग्री अगर मैं इसके बीच जीरो डिग्री एंगल रखा जीरो डिग्री एंगल कर दिया तो इस कंडीशन में ई e जो प्रोड्यूस होगा है वो नो ई e प्रोड्यूस होगा कोई प्रोड्यूस नहीं होगा तो एक कंडक्टर में अभी जो देखा बल्ब कभी वोल्टेज एकदम कम हो जा रहा है कभी बढ़ जा रहा था उसका रीजन यही है कि फील्ड को अगर 90 डिग्री से परपेंडिकुलर कट किया जाए परपेंडिकुलर कट किया जाए यहाँ और यहाँ तो मैक्सिमम ईएमएफ प्रोड्यूस होता है लेकिन जब पैरेलल फील्ड के चले ऐसे ऐसे कंडक्टर जब फील्ड का लाइन ऐसा हो और कंडक्टर भी ऐसे ऐसे करोगे तो रिलेटिव मोशन जो होगा वो उसको फील्ड को तो कट ही नहीं कर रहा है ना लाइन को तो कट नहीं कर रहा जब लाइन पैरेलल जाएगा तो कोई कट नहीं कर रहा तो ऐसे कंडीशन में कोई भी ई प्रोड्यूस नहीं होता अब यही एक कंडक्टर के साथ होता है देखिएगा एक कंडक्टर क्या होता है ना एन पोल और एस पोल ये समझिए समझिएगा यहां पे है ना यहां से अगर कोई कंडक्टर चलना शुरू किया तो ये फील्ड के है धीरे धीरे जब यही कंडक्टर यहां ऐसे कट करेगा ऐसे कट करेगा तो इसके लाइन को ये देखिए नब्बे डिग्री पे कट रहा है तो मैक्सिमम ई एम प्रोड्यूस करे क्या करे मैक्सिमम लेकिन धीरे धीरे जब यही चलते चलते ऐसा करने लगे कंडक्टर ऐसा करने लगे कंडक्टर ऐसा हो जाए ऐसा क्या है जबकि ये लाइन के पेलल है ये क्या है जी ये फ्लक्स लाइन के पेलल है हमारा कंडक्टर हमारा कंडक्टर तो ऐसे कंडीशन में ई एम एफ ई एम एफ हो जाएगा जीरो लेकिन जब कोई कंडक्टर जब कोई कंडक्टर ध्यान से समझिएगा जब कोई कंडक्टर यहां पर इसको कट करे इस फील्ड को इस फील्ड को यहां पर कट करे तो ये 90 डिग्री पे अगर इस तरीके से कट करता है तो यहां पे मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है मैक्सिमम ईएमए मिलता है ये तो ये बेसिक बातें हो गई ये क्या हो गई बेसिक बातें हो गई बिल्कुल तो कोई भी कंडक्टर क्या होता है जब उसके फील्ड को परपेंडिकुलर कट करता है ये फील्ड है और यहां इस तरीके से कटा नब्बे डिग्री पे तो मैक्सिमम ईएमएफ मिलता है और जब इसको घूमते हुए ऐसे घुमाइए इस फ्लोर पर घुमा तो यानी फ्लक्स तो वहाँ पेल में तो पेलल में किसी फील्ड को कट किया क्या नहीं पेल में अगर ये जाएगा और पेलल में ये जा रहा तो कोई ई कट नहीं हुआ लेकिन ये ऐसे जा रहा और ये ऐसे जा रहा हो तो नब्बे डिग्री से कट करेगा तो मैक्सिमम ई प्रोड्यूस होगा तो मैक्सिमम और जीरो देखो यहां कट कर रहा है मैक्सिमम और यहां हो रहा है जीरो जीरो तो हमेशा मैक्सिमम टू का वोल्टेज होता होता है जो होता है जो मैं आगे बहुत सारा चीज बताऊंगा ये देखो जीरो से स्टार्ट हुआ मान लो यहां से कोई कंडक्टर स्टार्ट हुआ तो जीरो कट किया है ना धीरे 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 मैक्सिमम हुआ तो मैक्सिमम चला गया फिर मैक्सिमम से कहा फिर धीरे धीरे आ रहा है जीरो पे आ रहा है है ना क्यों क्योंकि मैक्सिमम ई एम प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम कट करता है इसको फिर एनिमेशन हम देखेंगे और चीजों की समझने की कोशिश करते हैं एक बार आइए चीजों को फिर से समझिएगा है ना तब तो हम आपको वेबसेप के बारे में बहुत बेहतर तरीके से बताएंगे आइए जी hmm. देखिएगा एक बार अभी क्या है ये कंडक्टर स्थिर रखा हुआ है ठीक है लेकिन जब घूमेगा तो देखिए मैक्सिमम फिर जीरो फिर मैक्सिमम यहां जीरो पैल ऐसे वर्टिकल रहेगा वो जीरो हो जाता है देखिए वोल्टेज खत्म स्लो होने पे आपको आपको कहे कि सर तो क्या एसी में आपको कहोगे कि एसी में सर घरों में तो एसी है कहां जीरो हो जा रहा है क्योंकि ये स्लो चल रहा है जब स्पीड में चलता है इसकी फ्रीकुन्सी फिफ्टी हर्ट्ज मेंटेन हो जाती है तब भी ये फ्लक्चुएट मैक्सिमम मैक्सिमम मिनिमम मैक्सिमम मिनिमम होता है लेकिन इसकी दर जो होती इतनी फास्ट होती है मैक्स टू मीन जाने की दर यानी रेट

फ्लक्चुएट वो तब भी होता है क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी फिफ्टी हर्ज होती है और एक साइकिल कंप्लीट करने में सिर्फ जीरो पॉइंट जीरो टू सेकेंड लेता है इसीलिए हमारा आंख उस चीज़ को डिडेक्ट नहीं कर पाता और हमको लगता है कि नहीं ये कंटिन्यूसली ग्लो कर ला कर रहा है लेकिन ऐसा होता नहीं है एक एसी करंट में हमेशा मैक्स टू मीन चलता मैक्स टू मीन चलता है वो लगातार फ्लक्चुएट करता है लेकिन ड्यू टू तो हाई फ्रीक्वेंसी अप टू फिफ्टी तो हर्ज दैट्स वाई हमारी आंखें उसको डिटेक्ट नहीं करता ठीक है तो अब देखिए थोड़ी सी थोड़ी सी बातों को सीखिएगा यहां से देखिएगा है ना देखिए अभी परपेंडिकुलर है और जैसे जैसे कट करेगा मैक्सिमम वोल्टेज फिर मिनिमम फिर मैक्स फिर मिनिमम फिर मैक्स फिर मिनिमम ये करंट का फ्लोर है अब देखिए करंट एक बार इधर से कभी इधर से अब ये इसका क्या लॉजिक है मैं बताऊंगा क्योंकि अल्टरनेटिंग है ना कभी ऊपर से कभी नीचे से सो so, करंट एक बार इधर से कभी इधर से फिर कभी इधर से देखिए अल्टरनेटिंग होने के बाद कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से कभी इधर से, से तो एक करंट में सोर्स से जिधर जा रहा है उधर से फिर लौट के भी उसको आना होता है तो यही देखिए अब देखिए अभी चूंकि थ्री में आपको अच्छे से दिखेगा मैं जो लाइनिंग बताता हूं वो आपको समझ नहीं आता है चूंकि वो टू में है और ये एक थ्री एनिमेशन है जिससे आपको ये देखिए कंडक्टर ऐसे घुट न यहां पे पेल है यहां पे, पे समझिएगा एक सेकेंड समझिएगा यहां पर इसको किस एंगल से कट रहा है लवा पैंतालीस डिग्री से और यही कंडक्टर ये एक कंडक्टर का साइन है जो आपको टॉप व्यू से दिखेगा है ना अब देखना

ठीक है ना तो ये तो बात रही किसकी कि जेनरेशन कैसे होता है अब हम एक एक चीज जनरेशन का करंट और वोल्टेज के जेनरेशन के बारे में अगर मैं थियोरिटिकली लिखूंगा बताऊंगा तो चीजें एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बैठ जाएगा ठीक है सो काफी बेहतर क्लास होने वाला है हमारा थर्ड सेमेस्टर का ठीक है चलिए हमने इसको देखा अब हमने ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन लिया ओवरव्यू लिया है आज चीजों का कि कैसे जेनरेट होता है क्या हमारा उसमें टारगेट होता है आई होप सो अगर इस वीडियो को अगर आपने एनालाइज कर लिया तो मुझे नहीं लगता शायद पिक्चर कट रहा है क्या एक सेकेंड पिक्चर थोड़ा सा कट रहा है आई होप सो अब पिक्चर नहीं कटेगा है ना ने कट रहा ना अब नहीं कटेगा आपको ठीक है चलिए जी अब सब आपको क्लियर रहेगा तो अब हमको अभी तक आपने सिर्फ समझा कि क्या है जेनरेशन क्या है अल्टरनेटिंग कैसे करंट लेंगे और कैसे वोल्टेज लेंगे तो आपने वेब भी देख लिया है ना कैसे उत्पादन होता है एक एनिमेशन देख लिया अब इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे है ना जो आपको एक्सप्रेस करना हो अपने अपने एग्जाम में सो अब उसको लैंग्वेज में लिख लेंगे जी आइए आइए जी आइए अब किसी सिस्टम के अंदर सर करंट कैसे उत्पन्न होता है वोल्टेज कैसे उत्पन्न होता है तो सबसे बड़ी बात है सर करंट कैसे प्रोड्यूस होगा यहाँ पे वोल्टेज कैसे प्रोड्यूस होगा है ना उत्कर्ष कुमार कह रहा बीटीयू आप क्यों नहीं पढ़ाते बहुत जल्दी हम बीटी यूपी यूपी के भी बोर्ड सिलेबस वाला जो होता है पॉलिटेक्निक का सेमेस्टर एग्जाम्स से वगैरह का बहुत जल्दी हम लोग कवर करने वाला है क्योंकि अभी तक हमने बिहार में थोड़ा सा एंगेज हो गया अब बिहार के बाद हम कवर करने वाले हैं आ... इधर को वेट 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 थोड़ी सी आई होप सो अब क्लियर होगा है ना अब यहां पे नोट करता हूं बारीकी से समझिएगा वैन ए कंडक्टर वैन ए कंडक्टर कट इट्स मैग्नेटिक फील्ड It magnetic field cut its magnetic field, then EMF electro motive force. then electromotive force. यानी yani, इसी को और तरीके से बोलूं या वोल्टेज देन इलेक्ट्रिक मोटिक फोर्स या वोल्टेज प्रोड्यूस ऑन कंडक्टर ऑन कंडक्टर ओके बट current will flow but current will flow only when but current will flow only when this conductor in अ क्लोज लूप सिस्टम क्लोज लूप सिस्टम और या अथवा दिस कंडक्टर अथवा दिस कंडक्टर, दिस कंडक्टर is कनेक्टिंग with इज कनेक्टिंग with लोड अब लोड कौन सा लोड सर कोई चक्की तो है नहीं लोड लगाएंगे तो ये कौन सा लोड होता है आइधर लोड के जगह पे अपन कह सकते हैं बल्ब हो सकता है है ना बल्ब हो सकता है कोई भी आ, फैन हो सकता है ओके मोटर हो सकता है क्योंकि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में लोड यही होता है तो मान लो मोटर ही लगा लिए तो ऐसे कंडीशन में ही क्या होगा करंट का फ्लो होता है मतलब समझिए फिर से ये हमने मशीन बनाया कोई सा डिजाइन कराया ओके और यहाँ पर जब डिजाइन किया तो ऑबियसली फील्ड फ्लो हो जाएगा फील्ड का फ्लो होगा अब इस फील्ड से अपने को क्या करना है कंडक्टर को गुजारना कट करवाना है तो कंडक्टर पे आपको क्या मिलेगा आपको भी पता है कंडक्टर पे सर तो मुझे मिलेगा क्या ई एम एफ इसमें क्या मिलेगा ई एम एफ इसमें क्या होता है ना ई एम एफ प्रोड्यूस होता है वोल्टेज है ना वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है यहां पे चार्ज है ना ई एम एफ प्रोड्यूस हो जाता है अब ये क्या होगा इसको किसी लोड से यानी मैं कहूं किसी बल्ब से अगर मैं अटैच कर देता हूं अगर इसको किसी बल्ब से अटैच कर देता हूं किसी बल्ब से अटैच कर दे रहा हूं है ना तो ये एक लोड हो गया कैसा लोड हो गया इलेक्ट्रिकल लोड और इसको जैसे ही इससे कनेक्ट कर देंगे अपन दो पिन होगा इसमें एक पिन ये और दूसरा कंडक्टर का ये छोर से तो जैसे लूप कंप्लीट होता है तभी जाके आपका क्या होगा करंट फ्लो होगा करंट का फ्लो तभी हो सकता है जब सर्किट में लोड कनेक्ट होगा अगर सर्किट में कोई भी लोड नहीं होगा तो सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो पाता सो so, सर्किट में अगर इलेक्ट्रिसिटी इस लोड की जगह पर हमने बल्ब लिया है सौ वाट का लगा लो एक बल्ब है अगर सर्किट के अंदर कोई भी बल्ब मैं ना लगाऊं सर्किट के अंदर कोई भी बल्ब मैं अगर ना लगाऊं तो या कोई भी लोड ना लगाऊं तो करंट का फ्लो कभी नहीं हो सकता सो so, इसीलिए मैं बोला बट यहां पर टेक्नोलॉजी दिया कि करंट विल फ्लो ओनली वेन दिस कंडक्टर इज इन क्लोज लूप सिस्टम क्लोज लूप में हो मतलब ये लूप कंप्लीट हो इसका चाहे वायर से ही शॉर्ट करो तो करंट फ्लो होगा अदरवाइज नहीं होगा है ना और दिस कंडक्टर इज कनेक्टिंग विथ अ लोड चाहे आइदर वो बल्ब हो सकता है है ना बल्ब हो सकता है या वट एवर भी कुछ हो सकता है ना यहाँ इसको हमने चीजों को समझाने की पूरी कोशिश किया ये है इसका एंड पोल ये है इसका एस पोल ठीक है तो यही है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए आप चीजें अब ये जो जनरेशन हुआ करंट जो उत्पन्न हुआ और जो वोल्टेज हुआ कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देता है और ये जो तरीका है हमको पोल को कि ऐसा ही पोल बना के रखना है या किस तरीके से अल्टरनेटिंग जनरेटर करना है तो उसके लिए हम जनरेटिंग पोल का सेप बताएंगे कि कौन सा सेप क्या पोल सेप ऐसा रखने से एसी अच्छा प्रोड्यूस होता है या पोल को ऐसा रखने से एसी अच्छा प्रोड्यूस होता है तो हम प्रॉपर सेप की चर्चा करेंगे कि पोल का शेप कैसा होना चाहिए ऐसा नहीं है कि हर जगह पोल ऐसा लेके चल गए कई जगह पोल देखोगे एकदम सीधा वर्टिकल कट कर रह, रखता है कई जगह ऐसे पोल रखता है, है ना मैग्नेटिक पोल एन पोल एस पोल तो इसके क्या रीजन है इसके पीछे जितनी भी रीजन है उन सारी चीज़ों की चर्चा करेंगे ना किस एंगल पे कितना यह में प्रोड्यूस हुआ तो एक प्रॉपर वेव की एनालिसिस करनी होगी चाहे वो करेंट वेव हो या वोल्टेज वेव इसकी जो है साइनसोइडल वेव के एक्सप्रेशन को अच्छे से डील करना पड़ेगा तो हमारा अपकमिंग जो सेशन होगा ध्यान से समझिएगा तो ये जो प्रोड्यूस कर रहा है ये प्रोड्यूस कर रहा है एसी ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है एसी तो इसकी एनालिसिस करनी होगी इसकी क्या करनी होगी एना लाइसिस करनी होगी इसको मैं एनालिसिस करूंगा जो कि नेक्स्ट क्लास के अंदर इसकी एनालिसिस होगी कि एसी कैसे जनरेट होता है एसी के लिए हम पोल कैसा रखेंगे और एसी ये है तो कितना पे कितना कितना देता है किस-किस डिग्री -किस पे देता है एग्जाम में कंपटीशन में भी खूब पूछे जाते हैं ओके नाउ ये सारी चीजें कितने एंगल होती हैं और क्या मैक्सिमम वैल्यू यहीं से हमको फ्रीक्वेंसी के बारे में पता चल जाएगा बहुत सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे मेनली अब वेव की एनालिसिस करेंगे और जनरेटर का कुछ पिक्चर बना देंगे जिससे आप लिख पाते हो एग्जाम में तो आपके लिए बेहतर होगा आई होप सो अब तक चीज़ों में को समझने में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा है ना हमने पूरी कोशिश किया कि आप चीज़ों को अच्छे से समझे आज का टॉपिक मेरा यही था हम इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे ये टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ चूंकि मैं चाहता हूं कि हर चीज़ आपके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर हो और मैं इसको कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट क्लास दैट इज टमोरो कल के क्लास कल की क्लास हमारी वही रहेंगी जिसके टाइमिंग होगी ग्यारह बजे और मशीन की टाइमिंग होगी साढ़े बारह बजे दो सब्जेक्ट चलेंगे एक नेटवर्क का एक मशीन का ये क्लास ग्यारह बजे और मशीन का साढ़े ग्यारह बजे तो आई होप सो आप लोग सेशन को एंजॉय करेंगे हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर यू ऑल थैंक यू ओके okay? किसी के कोई क्वेरी है तो पूछ लो किसी के कोई क्वेरी है इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर मैं बता देता हूं एक बार फिर से एक बार आप लोगों को बता देता हूं फुल फ्लैश में इंजीनियर्स ग्रुप के ऐप पर इंजीनियर्स ग्रुप ऐप पर ऐप आप पर आपके सेमेस्टर की क्लास चल रहे हैं किसके सेमेस्टर काफ़ी बेहतरीन तरीके से चल रहे हैं सर सेमेस्टर कौन कौन सा एक थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और दूसरा फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है है ना थर्ड सेमेस्टर चल रहा है और फिफ्थ सेमेस्टर चल रहा है काफ़ी बारकी से और एक थर्ड सेमेस्टर के साथ मैंने एक बेहतर प्लान आप लोगों के लिए लाया है कि सेमेस्टर मैं सेपरेट नहीं करता थर्ड सेमेस्टर के साथ ही जो बच्चा करना चाहेगा वो जेई की तैयारी कर सकता है और फिफ्थ सेमेस्टर के साथ एक और ऐसा है जो साथ में जेई की तैयारी कर सकता है तो आपके सब्जेक्ट के साथ साथ आप एक अलग से चीज़ों को करने में आ, तत्पर रह पाऊंगे जिंदगी में कुछ अलग कर पाऊंगे सो सेमेस्टर तो एक तो ये ऑप्शन है दूसरा ये है काफी बेहतरीन है इंजीनियर्स ग्रुप ऐप को डाउनलोड करेंगे किसी भी प्रॉब्लम के लिए कांटेक्ट कर सकते हो चौरानवे इकहत्तर जीरो आठ चौहत्तर सौ हम आपकी पूरी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं ओके आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा है ना काफी बेहतर तरीके से सेशन आपके लिए चलते रहेंगे ठीक है तो आज सेशन आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं फिर मिलते हैं आपसे अगले सेशन में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक यू